तो हेलो गाइस, द अल्टीमेट भव्यास फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे और इंटरेस्टिंग डॉग माल्टीज के बारे में। तो माल्टीज जो है वो इटली से, बेसिकली जो इनका ओरिजिन है वो इटली से था, और ये एक टाइप के कंपेनियन डॉग्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे आपके लिए कंपेनियन बन सकते हैं। और जो इनके वर्ल्ड में जो वो अदर नेम्स है वो इनको माल्टीज डॉग या फिर माल्टीज लाइन डॉग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर हम अगर देखें तो इनका जो प्राइस होता है वो $600 to $800 होता है, और ये साइज़ में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इनका वेट जो होता है वो 3 to 4 kgs के अप्रॉक्स में आता है। जो इनका एवरेज वेट होता है तो वो 3.5 kgs अप्रॉक्स होता है। और जो इनमें मेल्स की हाइट होती है वो होती है 8 to 10 inches, यानी कि 21 to 25 centimeters। और इनकी जो फीमेल की हाइट्स होती है वो होती है 8 to 9 centimeters, मीन 20 to 23 centimeters। तो गाइस, ये इनका जो कोट होता है वो बहुत ही ज़्यादा फेदरी होता है, जिससे कि ये इनको अच्छा बनाता है और बहुत क्यूट भी बनाता है। और यहाँ पर इनका जो ग्रूमिंग चाहिए होती है, जो बाल काटने के लिए चाहिए होते हैं, उसके लिए एवरेज 1 महीने में 2 बार बाल कटवाने ठीक है। और इनका जो माल्टीज बहुत ही कम शेड करते हैं, अप्रॉक्स नन शेड करते हैं ये लोग। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, ईजी गोइंग, इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव ब्रीड है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल ब्रीड भी है, कि अगर आपके घर में मान लो छोटा बच्चा है तो इसके साथ वो बहुत ही ईजीली रह सकता है। और इसका जो इंटेलिजेंट रैंक है वो लो टू एवरेज है, मतलब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन फिर भी ये बहुत ईजीली ट्रेन हो जाते हैं। और प्ले, अब आए बात प्लेफुलनेस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल डॉग्स होते हैं। सेंसिटिविटी, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और यहाँ पर अगर अफेक्शन लेवल देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा लॉयल डॉग्स होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं भौंकते, लेकिन ये वॉच डॉग नहीं होते। अगर आपको एक वॉच डॉग चाहिए तो आप यॉर्कशायर टेरियर या फिर शेट्ज़ूस के साथ जा सकते हैं। प्लस जो इनका माउथीनेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, मींस ये जो इनका जो सलाइवा है वो बहुत ही ज़्यादा कम निकलता है। और ये बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में भी फिट हो जाता है, क्योंकि ये इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको अकेले छोड़ के जाते हो तो इनको सेपरेशन एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये बिल्कुल भी फाइटिंग डॉग्स नहीं होते, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजर फ्रेंडली भी होते हैं, चिल्ड्रन फ्रेंडली भी होते हैं और अदर पेट्स के फ्रेंडली भी होते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो। थैंक